हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल रात वो आपके बारे में क्या कुछ महसूस कर रहे थे। ठीक है, तो कल रात की फीलिंग्स उनकी देखेंगे हम कि कल रात वो क्या महसूस कर रहे थे आपके लिए। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आपको पता ही है, तो वैसे ही लेना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या प्रॉब्लम है? आप किसी को सपोर्ट नहीं करते तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ऊपर वाला भी नहीं करेगा। ठीक है, हम अपना जो है ना नसीब खुद लिखते हैं। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। सो जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और पेड रीडिंग है, जो भी रीडिंग है पेड रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए। कल रात वो क्या फील कर रहे थे, है ना? टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई, तेरा जादू जादू गए। सो लिसन, सो वही है कि सॉन्ग चैनल हो रहा है तो आपके पार्टनर का हो सकता है सॉन्ग ये गा रहे हो या आप खुद गा रहे हो। लिसन का कार्ड है, कार्ड की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, एक टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, इनके पास एक गजब की पावर है। आने वाले कल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से जान जाना, इस पर्सन के अंदर पावर है, आपके पार्टनर के अंदर। इनकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, ये कभी अपने दिल की अगर इनको बात पहुंचानी होती है ना आप तक, तो ये पर्सन बड़े आराम से बैठ जाते हैं नाइट के टाइम में या डे के टाइम में ही, और ये टेलीपैथी करते हैं आपके पर्सन, आपको मैसेजेस भेजते हैं, अपने दिल के जो मैसेजेस हैं। और आपको महसूस होता होगा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते होंगे जब इस पर्सन के मैसेजेस आते होंगे ना आपको टेलीपैथी के द्वारा, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते होगे, क्योंकि ये पर्सन दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में। इनकी इंट्यूशंस जो है ना बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा, इसी की वजह से ये आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, मुझे ये दिखता है। चलो ये कार्ड्स है मेरे पास, और भी मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी टैरो कार्ड के द्वारा। ठीक है, गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आया है। फोर कार्ड्स हो गए, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द फेट्स, वेरी नाइस, अच्छा टाइम आने वाला है आपका। कार्ड्स बताते हैं कि अच्छा टाइम आने वाला है, थोड़ा वेट कर लो, कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से थोड़ा सा वेट करो, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको।
क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल होने वाला है, कुछ सपने सच होने वाले हैं, कुछ आपका जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे तरीके से ये हील होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ जाओगे बहुत 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 जल्दी। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखता है। चलो कार्ड्स देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। हीलिंग बींग्स नंबर 6, फीलिंग अलोन, स्ट्रेंथिंग बॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड है मेरे पास यहाँ पे ऑब्जर्व। ठीक है, इस कार्ड से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं। ओह, लॉयल हार्ट, मैसेजिंग बॉटल, हैप्पी हैप्पी, मैं हैप्पी हैप्पी हूँ हेयर एंड नाउ। तो यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी देखो, कार्ड्स बताते हैं सबसे पहले कि देखो आपके जो पार्टनर हैं, कल रात की इनकी फीलिंग्स देखूँ, एनर्जीज देखूँ, तो मुझे नज़र आता है कि आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में, देखो एक तो पहले इनको मैंने कहा कि क्या कल रात की फीलिंग्स क्या थी इनकी, तो ये देखो क्या है, ये पर्सन जो है ना बहुत उदास, बहुत परेशान मुझे नज़र आते हैं, एकदम से उदास उदास, फीलिंग अलोन का कार्ड है। ये पर्सन बहुत उदास रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, कल रात भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं, कल रात भी काफ़ी अकेलापन फील हुआ इनको, कल रात इस तरीके से इनको अकेलापन फील हो रहा था कि अरे ये क्या करे क्या ना करे, क्या ये राइट डिसीज़न है इनके लाइफ का या नहीं है, क्या इनको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, किसी और के बारे में सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए। ये पर्सन कल रात बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, फीलिंग अलोन का कार्ड है तो बहुत अकेलापन फील कर रहे थे ये पर्सन। और ये पर्सन का मैं ये भी देखूँ तो ये पर्सन दिल से, ठीक है, इमोशनल कनेक्ट हैं आपसे, इमोशनली कनेक्ट मुझे फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे थे, कल आपकी कमी काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे थे, कल जो है ये पर्सन को देख रहे हो यहाँ पे, किस तरीके से ये पर्सन देख रहा है, ये पर्सन देख रहा है कि हाँ आगे बढ़ें तो कुछ फ्यूचर नज़र आए, ऐसे स्टक से रहेंगे, ऐसे परेशान से रहेंगे तो ना मेरा फ्यूचर बन पाएगा ना उसका फ्यूचर बन पाएगा। तो आपके पार्टनर काफ़ी उदास उदास थे, काफ़ी परेशान परेशान थे, ये पर्सन अपने आप को कहीं एक तरीके से सोच रहे थे कि मैं किस कहाँ पे आके रह गया हूँ, कहाँ पे फंस गया हूँ, कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपना पास्ट है, यहाँ पे अपना फ्यूचर है, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट में अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों को लेकर के स्टक सा हो गया हूँ, तो मैं क्या करूँ। आपके पर्सन कहीं हद तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको मैसेज करने के बारे में भी सोच रहे थे, बट यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसा है जो होता है ना कि एक रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अपने एडवाइस देने लगते हैं कि हाँ ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना। तो यहाँ पे वही है कि कन्फ्यूज़न है यहाँ पे इस पर्सन को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नज़र आ रही है ये पर्सन की, इस पर्सन का दिखता है जैसे कि ये पर्सन दूसरों की बातें सुन रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, और ये पर्सन वही सोच रहे हैं सारे, मतलब कि निकाल रहे हैं निचोड़ उसका कि हाँ क्या है क्या हो सकता है। ठीक है, एक तरफ ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप बहुत लॉयल हो, आप ही इनकी ज़िंदगी में वो पार्टनर हो जिनसे ये खुल के अपने दिल की हर एक बात कह सकते हैं, अपने दिल की हर एक सच्चाई कह सकते हैं, कोई राज है तो वो भी आपसे कह सकते हैं, कहते हैं ना कि बेपरवाह हो करके, क्योंकि आप लॉयल हो इनके लिए और आप ही ऐसे पर्सन हो जिस पे ये पर्सन भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर भरोसा करके ये अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन का ऐसा है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये पर्सन की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब्स मुझे नज़र आती हैं कि जैसे कि इस पर्सन को एक रोमांटिक सा रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ, दिखता है कि ये पर्सन रोमांटिक सा रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। और ये पर्सन का मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हीलिंग बींग्स का कार्ड है, कार्ड्स बताते हैं कि आपकी जो पर्सन है काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, ये अपने आप को हील भी कर रहे हैं, कल रात आपकी काफ़ी ज़्यादा इनको याद आ रही थी, काफ़ी मिस कर रहे थे ये पर्सन, तो अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहे थे, मैं ये देख पा रही हूँ। ये पर्सन का दिखता है जैसे कि ये पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं, देख लो यहाँ पे कार्ड आया है, मैसेज करने वाले हैं, कल रात इनको इस तरीके से कहते हैं ना कि
याद आ रही थी आपकी कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ये पर्सन सोच रहे थे कि हाँ अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए मुझे जो है एफर्ट्स डालने चाहिए, मुझे इसमें इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए सब चीज़ करना चाहिए, मुझे उसको मैसेज करना चाहिए, उसको कॉल कर लेना चाहिए एक बार, ठीक है, ताकि उसका और मेरा कनेक्शन टूटे ना और मैं उसके साथ हैप्पी हैप्पी, है ना, फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैप्पी सोचते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। इनको लगता है कि हाँ आपके साथ इनका फ्यूचर सिक्योर है, काफ़ी अच्छा है, ठीक, आपकी कमी को महसूस कर रहे थे ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे नज़र आता है कि ये पर्सन अपनी आपकी कमी को महसूस कर रहे थे, लेकिन आपके साथ, ठीक है, ये बिताए गए लम्हों को भी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे, ठीक है, आपके साथ बीते हुए लम्हे काफ़ी ज़्यादा इनके लिए यादगार हैं और बीते हुए लम्हों को ये पर्सन भुला नहीं सकते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। चलो और कुछ कार्ड्स निकालते हैं, टैरो के द्वारा भी देखते हैं, ठीक। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए। फाइव ऑफ पैंटिकल्स, ठीक है, फाइव ऑफ पैंटिकल्स है, कल रात की इनकी फीलिंग्स में देख रही हूँ, तो चलो ठीक है, और टू कार्ड्स निकालेंगे हम, ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालेंगे। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, सेवन ऑफ कप्स, काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस पर्सन को, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। ये दिखता है कि आई थिंक इनके शादी की बात चल रही है, कहीं शादी फिक्स हो गई है इनकी, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि आपके पर्सन काफ़ी एक एक कंफ्यूजन में ही इनकी लाइफ कट रही है, इनकी इनकी जो ज़िंदगी है कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टक हो जाती है, कहीं ना कहीं एक जगह से रुक सी जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक, यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द एम्परर, फाइव ऑफ कॉइन्स, द फूल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एकदम से यहाँ पे ट्रस्ट इशूज बहुत ज़्यादा हैं, आपके पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हो, आप जो है इनके, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी भी अवेलेबल हैं ऑप्शंस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी एक होता है ना कि हाँ उदास उदास परेशान परेशान रहना, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है एक अलग सी एनर्जी में है, ठीक है, यहाँ पे दिखता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, ठीक, आपके बारे में सोच करके उदास रहते हैं, कल रात भी काफ़ी ज़्यादा उदास थे आपके बारे में सोच करके। एक देखो इनका ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, गुस्सा बहुत है, जिसके कारण से ये ईगो अपने एटीट्यूड अपने गुस्से की वजह से बहुत कुछ इन्होंने खो दिया है अपनी लाइफ में, और ये अपना ईगो अपना एटीट्यूड नहीं कम करेंगे तो बहुत कुछ खोते चले जाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी ये दिख रही है, और दिखता है कि आपके जो पर्सन हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, दिख रहा है कि आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। द एम्परर की एनर्जी, यानी कि एक होता है ना कि हाँ एम्परर है तो यहाँ पे एक होता है ना कि एम्परर की एनर्जी है, यानी कि एक राजा, ठीक है, ये अपने मन के राजा हैं, आपके जो पर्सन है अपने मन के राजा हैं, कभी कभी ये आपसे बात करते होंगे, कभी कभी एकदम बेवजह कुछ बिना रीज़न के ही चले जाते होंगे, ठीक है, और आप बिल्कुल भी सोच नहीं पाते होगे, समझ नहीं पाते हो कि आखिर ये चाहता क्या है मेरे साथ, ये करता क्यों है ऐसा, मैं उसके लिए इतना कुछ करता हूँ करती हूँ, लेकिन वो मेरे फीलिंग्स मेरे इमोशंस की कोई कद्र नहीं करता, वो बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, ठीक है। तो आप जो है ये बार बार ऐसे करने से आपके
आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना है इस पर्सन को। तो कल रात इनकी फीलिंग्स थी आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की, एक नई शुरुआत करने की, पीछे की चीज़ों को भूल करके एक नई शुरुआत, बहुत अच्छी से शुरुआत करने की, ठीक। तो मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है, कल रात की फीलिंग्स, कल रात के इमोशन। सो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, करते हैं रीडिंग को ख़त्म। और जिनको भी ब्रेसलेट की बुकिंग करनी है बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।